करीब 3 साल पहले मदन महल पहाड़ी सेब स्थापित कर सैकड़ों परिवारों को तिलहरी में बसाया गया था। स्थापन करते समय जिला प्रशासन ने विस्थापित लोगों से वादा किया था कि उन्हें तमाम वो सुविधाएं दी जाएगी जो कि यहाँ मिल रही है। प्रशासन के झांसे में आकर सैकड़ों लोग तिलहरी में जाकर बस तो जरूर गए, पर उन्हें नहीं मिली वो कोई भी सुविधा। नाराज विस्थापितों ने घेरा कलेक्टर कार्यालय, समझाती रही पुलिस। करीब 3 साल से विस्थापन का दंश झेल रहे लोगों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की। पुलिस विस्थापित लोगों को समझा रही थी तो इधर लोग जिला प्रशासन हाय हाय के नारे लगा रहे थे। स्थानीय लोगों का कहना था कि जिला प्रशासन ने लुभावने सपने दिखाते हुए हमें तिलहरी में विस्थापित तो कर दिया, पर मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा गया। न जमीन है न छत, जंगली जानवरों का भी लगा रहता है डर। विस्थापित लोगों की माने तो जिला प्रशासन ने विस्थापन के समय कहा था कि तिलहरी में सभी लोगों को मकान बना कर देंगे, सड़क होगी, बच्चों के स्कूल भी होंगे, पर आज 3 साल बीत जाने के बाद भी हालत जस के तस है। बच्चों के लिए स्कूल नहीं है, शासकीय उचित मूल्य की दुकान पर राशन नहीं मिलता, हमेशा जंगली जानवरों का डर बना रहता है। 3 साल में 12 लोगों की हो चुकी है मौत। जानकारी के मुताबिक जिस तिलहरी में जिला प्रशासन ने मदन महल पहाड़ी में रहने वाले लोगों को बसाया है, वहाँ पर अभी तक करीब 12 लोगों की मौत हो चुकी है। इसकी वजह लोगों ने बताया कि समय पर इलाज नहीं मिला और जब तक उन्हें मेडिकल ले जाया गया तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। इतना सब होने के बाद भी जिला प्रशासन अब तक सुध नहीं ले रही है, तहसीलदार ने दिया आश्वासन। कलेक्टर गेट पर करीब 1 घंटे तक हंगामा विस्थापित लोग करते रहे और पुलिस उन्हें मनाती रही। आखिरकार तहसीलदार प्रदीप मिश्रा मौके पर पहुंचे और विस्थापित लोगों को उनकी हर सुविधा देने के लिए 1 सप्ताह का समय मांगा गया, तब जाकर विस्थापितों का आंदोलन खत्म हुआ। मदन महल पहाड़ी को बनाया जा रहा है हेरिटेज प्लेस। करीब 3 साल से मदन महल पहाड़ी में बसे सैकड़ों परिवारों को वहां से तिलहरी में विस्थापित करने का जिला प्रशासन का मुख्य उद्देश्य था कि पहाड़ी को पूरी तरह से हरा भरा कर हेरिटेज प्लेस बनाया जाए। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। हम लोग तिलहरी विस्थापितों के साथ पर यहां पर आए हुए हैं और उन लोगों की साफ सुथरी मांगे हैं, जहां पर कि उनको मकान नहीं, जो जहां पर रह रहे हैं वो आज भी पन्नी और बांस की बल्लियों में रहने के लिए बहुत मजबूर हैं। आगे हमारा ये है कि हम जिला प्रशासन में जिला प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि हमारी मांग को पूरी करें, जिला कलेक्टर यहां पर आए, वो हम लोग से ज्ञापन लें और हमारी बात को सुने और समझो, हमें शीघ्र ही हम लोगों को जो आश्वासन आश्वस्त करना वो हमें आकर खुद स्वयं आश्वस्त करें, और यदि वो नहीं आते हैं तो हम लोग यहीं बैठेंगे, शाम तक यहीं बैठेंगे, रात तक यहीं बैठेंगे। लेकिन कलेक्टर साहब को जी, हम लोग ने पूर्व में कम से कम 6 से 7 बार हम लोग ज्ञापन SDM और तहसीलदार को दे चुके हैं, प्रशासन का हमने हमेशा सहयोग किया है और उनका सम्मान भी रखा है। उन्होंने बोला कि SDM साहब को दे दो, आज कलेक्टर साहब नहीं है, तो हमने सम्मान किया उनका और हम लोगों ने 6 से 7 बार ये चीज़ कर चुके हैं, लेकिन आज ये चीज़ नहीं होगी। आज कलेक्टर साहब को यहाँ आना होगा, यदि वो नहीं आते हैं तो हम लोग यहीं बैठेंगे, चाहे रात हो जाए, वो जितने टाइम आए। हाँ, हम इच्छा में अभी जी, हमारा ये कहना है कि यदि हमारे 7 दिवस के अंदर हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो हम लोग सभी लोग ना जो विस्थापितों के साथ अग्निस्नान कर लेंगे। जी बिल्कुल, अच्छा विस्थापित किया था, आज भी वो परेशान है। ये अपने तहसील गांधी के तिलहरी के विस्थापित लोगों के यहाँ पे आए हुए हैं और इनकी कुछ समस्याएं जुलाई हैं और प्रशासन के ध्यान उन समस्याओं की ओर शुरू से रहा है और उनके प्रयास करने के काम किए जा रहे हैं। कुछ टेक्निकल कारणों से कुछ समस्याएं पूरी नहीं हुई हैं और उनको पूरा करने का शासन में प्रयास कर रही है। सर लंबा सर 3 साल का मतलब लंबा हो गया? नहीं, अभी इन लोगों को विस्थापित हुए 1.5 से 2 साल ही हुए हैं और 2 साल ही हुए हैं और उसमें काफ़ी हिस्से से काम किया गया है। 60 से 70% लोगों को मकान बन चुके हैं। ये बात सही कुछ है कि मकान अभी नहीं बना पाए हैं, उनका लेआउट नहीं हो पाया, वहाँ पर जगह की कमी है इसलिए लेआउट नहीं कर पाए हैं। खाद्यान्न संबंधित भी काफी खाद्यान्न की समस्याएं आज ही मालूम पड़ी हैं। कोई भी राशन कार्डधारी को राशन कार्ड उसके घर पहुँच सेवा के तहत दिया जाएगा और फूड इंस्पेक्टर को बोला जाएगा और जो फूड सेल्समैन अपना बदतमीजी कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई करने और निलंबन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये बन गई है कि यहाँ रहने पर लोग इच्छा मृत्यु तक की मांग कर रहे हैं क्योंकि कई लोग की अभी तक मौत भी हो चुकी है, प्रशासन ने इसको ध्यान ही नहीं दिया है। ये मनुष्य की एक भावनात्मक स्थिति है और इनके साथ प्रशासन और पूरा तंत्र लगा हुआ है, इनको व्यथित होने की आवश्यकता नहीं है। हम लगभग 20-21 दिन में समस्या का पूरा निराकरण की ओर पहुँचेंगे। थैंक यू।
दूरदर्शन इंडिया न्यूज, हर खबर सच्चाई के साथ।